हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपसे आज जो टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं वो इस बेस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि आप जिस एग्जाम आईआईटी मेन जेई मेन की तैयारी करते हैं और आप उसके लिए सक्सेस होने के लिए अपने पास पड़ोस की किसी इंस्टीट्यूट और आर कोटा जयपुर और अदर किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, बट आपने ओवरऑल देखा होगा ऐसा क्या हो जाता, आपसे ऐसी क्या कमी रह जाती है कि आप चाह कर भी अपने मन मुताबिक रिजल्ट नहीं बना पाते हैं। जरा सोचो, ऐसा ही होता है जब किसी एग्जाम से बाहर आते हैं तो वही क्वेश्चन जो एग्जाम हाल में आपको बहुत टिपिकल महसूस फील होता है, एग्जाम हाल के बाहर आते आते आपको वेरी सिंपल लगने लगता है, खुद को थोड़ा सा दोषी समझते हैं और कहने लगते हैं यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाता। कभी कभी ऐसा भी आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, टाइम टू टाइम आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, टाइम ज्यादा लग जाता है, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, इन हालातों का भी आपको सामना करना पड़ता है। जब कभी आप अपने सर से प्रिपरेशन करने के टेक्निक सीखते हैं, पूछते हैं, तरीका जानना चाहते हैं, आपके सर आपको सजेस्ट कर देते हैं, आज तक किया होगा आपने, सर की बात फॉलो की होगी, आपने अपने रास्ते बनाए होंगे, फिर भी यदि हिंदी केस आपके साथ आप सक्सेस हो रहे हैं वेरी गुड, हिंदी केस आपके साथ फिर भी ऐसी प्रॉब्लम बन रही है, चाहकर आप बहुत मेहनत करते हैं और सारा अच्छा सा वर्क कर रहे हैं फिर भी सक्सेस आपके हाथ नहीं आ रही है, तो आइए दोस्तों मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं आपसे कहां मिस्टेक हो सकती है। आप इस तरह अगर तैयारी करेंगे तो कभी भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चंस को किसी भी एग्जाम में आप डिफीट नहीं खाएंगे। हां, एक बात आप जरूर याद रखिएगा, कभी किसी काम को हल्के में मत लेना, किसी एग्जाम को ऐसे मत बोल देना बहुत सरल एग्जाम है ये तो मुझे इसका सभी सिलेबस रेडी है, कभी किसी क्वेश्चंस को आप देख करके ये फीलिंग हटा देंगे दिस इज क्वेश्चंस वेरी सिंपल, जब तक हमारे अंदर किसी को देख करके उसके प्रति एक हल्का भाव आता है, लैटरली फीलिंग आती है, समझ लीजिएगा वो सामने वाला आप पर वेटेड हो जाता, भारी पड़ने के चांस आप उसे दे देते हैं। तो कभी किसी सवाल को पढ़ने के साथ साथ आपके अंदर ये फीलिंग अगर बनने लगती है कि ये क्वेश्चंस तो वेरी सिंपल 2 सेकंड में मैं कर लूंगा, अगर ऐसे भाव आने लगे तो मत ऐसा कीजिएगा, इनको ब्रेक की दीजिए। और कैसे तैयारी करेंगे देखो, स्टेप टू स्टेप आपको समझाते हैं। पहला स्टेप हमारा है, सामने जो प्रॉब्लम हमारे आए उसको हम पहले बहुत तह दिल से देखेंगे, गंभीरता से समझेंगे, फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढेंगे, उस प्रॉब्लम से जुड़ करके ही मींस समस्या का समाधान समस्या में ही निहित होता है, छुपा होता है, एनी प्रॉब्लम ऑलवेज मूव सलूशन ऑफ इट्स, हर समस्या हमेशा आगे बढ़ती है अपने हल को लेकर के, सलूशन को लेकर के, इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रख के चलेंगे। और ये थीम आपने बना ली तो आप समझिएगा कैसी भी समस्या आए एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की, चलते बढ़ते चौराहे तरह किसी मैटर की, अदर किसी से बात करते हुए किसी अदर टॉपिक की, आप क्या करें उस सामने वाले के द्वारा क्रिएट की गई प्रॉब्लम को बहुत डीप वे में देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, फिर उसके सलूशन के लिए उसके जवाब को आपको कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, उसी प्रॉब्लम के अंदर आप कूद जाएंगे, डूब जाइए उस प्रॉब्लम में, आप देखो आपको सलूशन आपके सामने होगा। कैसे काम करेंगे देखो, 2023-24 जनवरी को कंडक्ट होने वाली जेईई मेन एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन आपसे शेयर करते हैं। मान लेते हैं हमें क्वेश्चन सॉल्व करना, ये दोनों क्वेश्चन आपके जेईई मेन एग्जाम 2023 में आए हुए हैं, पढ़ते हैं, हमें इन्हें सॉल्व करना है, क्या किया जाए। लिखा है इफ आई इक्वल 0 to π/2 साइन एक्स होल टू दी पावर 2023 अपॉन दिस प्लस दिस इनटू dx इक्वल व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस ऑल्सो दिस, दोनों क्वेश्चंस को आप देखें, जब इनको बहुत डीप वे में देखेंगे आपको सोल्यूशन चाहिए, आपको एक दिमाग में फीलिंग आ जाएगी ये तो इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है, पहला पॉइंट आपने रीड किया, ये प्रॉब्लम किस कॉन्सेप्ट के इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन के किस कैटेगरी की है, लिमिट को देखा मींस डेफिनेट इंटीग्रल नेचर को फॉलो करती है,
दूसरा पॉइंट अपने दिमाग में रखा, देखो इसमें साइन कॉस वाले टर्म इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो क्लियर हो गया ट्रिग्नोमेट्री का भी कोई ना कोई रोल रहा होगा। आपने देखा पढ़ा और तुरंत आंसर बना दिया, आप घर निकल आए, आपने सोचा दिस इज वेरी सिंपल, नो ये फीलिंग नहीं लेनी है। देखें इस क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट आपको रेडी करने होंगे, आपको इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए पहले से क्या प्रिपरेशन करनी होगी। अगर इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करके चलेंगे कभी किसी एग्जाम में आप डिफीट नहीं खाएंगे। देखो इसके लिए एक टॉपिक आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का रेडी होना चाहिए। क्वेश्चंस कितने कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है बोलो, ट्रिग्नोमेट्री प्लस इंटीग्रेशन किस पर आ रहा है, इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट पर भी बेस है। दो पॉइंट आपके इधर पर आ गए, यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन का भी यूज है। मींस ये क्वेश्चंस एक होते हुए भी थ्री चैप्टर पर बेस्ड आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन आल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपको इस क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको रेडी होना चाहिए, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल ऑफ क्या होगा कॉस एक्स, ये एक्स्ट्रा रेडी हो, ये कब आएगा ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ेंगे। आल्सो कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल ऑफ साइन एक्स, ये कन्वर्जन भी आपके दिमाग में हो, मैं ट्रिग्नोमेट्री के कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आपको रेडी हो तब इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। साथ में देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन भी रेडी हो। एक प्रॉपर्टीज का नाम मैं पी फोर देता हूं, आप अपनी तरह रेडी रखेंगे। याद होना चाहिए जब कभी किसी इंटीग्रेट किए जाने वाले प्रॉब्लम की लोअर लिमिट जीरो एंड अपर लिमिट कुछ भी हो, समथिंग हो, मींस यहां पाई बाई टू मैंने लिखा, अगर ए आती है फंक्शन एफ एक्स इंटू ऑफ डी एक्स आ रहा है, सो दिस आल्सो कैन बी राइट एफ ए माइनस एक्स। ये कॉन्सेप्ट भी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी का हमारे दिमाग में हो, विद इन वन टाइम अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहते हैं तो इस टाइप की प्रॉब्लम देखो आपके लिए सिंपल हो जाती है। देखें बोर्ड की ओर कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों चीजें आपके दिमाग में है। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, दिस इज ए क्वेश्चन, फर्स्ट आपने क्वेश्चन देखा, लिमिट लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट समथिंग आ रही है, क्या लिखा जाता अपर लिमिट माइनस वेरिएबल टर्म, अगर इससे सॉल्व किया सो आई इक्वल ऑफ क्या आ गया जीरो टू पाई बाई टू दिस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, देखो उधर क्या लिखा है कॉस एक्स आपको आता है तो आप बहुत फास्ट सॉल्व कर देंगे, 2023 अपॉन में साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस एक्स होल टू दी पावर 2023 दिस कॉस चेंज इन फॉर्म ऑफ साइन साइन एक्स होल टू दी पावर 2023 इंटू ऑफ डी एक्स, और इसी क्वेश्चन सेकेंड एडॉप्ट कर दिया, इन दोनों के एक बार ऐड करके आप देखें मैंने क्या लिखा, फर्स्ट प्लस सेकेंड आ गया, आई प्लस आई क्या हो जाएगा आपके पास बोलो 2i आ जाएगा। राइट साइड दोनों को सॉल्व करके देखें, सो दिस 0 to π/2 इन दोनों को ऐड करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम ऐड हो करके कैंसिल आउट होंगे, क्या रह जाता आपके पास डी एक्स इक्वल, आप इंटीग्रेट कर देंगे, डी एक्स का इंटीग्रेशन मैंने बोला रेडी होना चाहिए, क्या जाएगा x लिमिट अप्लाई करेंगे पाई बाई टू, सो y इक्वल क्या आ गया पाई बाई फोर। इतनी प्रिपरेशन होने के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस का विद इन वन सेकेंड आप आंसर देने में सक्सेस होंगे, बट मेरी डायरेक्ट बात समझने में मैंने आपको क्वेश्चंस देखा, आपने देखा और बोल दिया ऐसा कोई क्वेश्चन आए उसका आंसर पाई बाई फोर होगा, इतनी ही बात में आपने मेरी देख ली और सीख लिया, नो आप गलत पैटर्न पर चल रहे हैं और यही आपके लिए हर समय सक्सेस होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इन पॉइंट को इस क्वेश्चंस के लिए रिक्वायरमेंट है, ट्रिग्नोमेट्री कन्वर्जन कॉन्सेप्ट की रेडी होना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन रेडी होना चाहिए, फिर जनरल कैलकुलेशन पैटर्न तो सभी जगह काम आता है उसको यूज करेंगे, सॉल्व हो गया तो देखो आंसर आ गया विद इन वन सेकेंड। बात इसकी भी करते हैं
अब इस टाइप की अगर प्रॉब्लम आ जाए, दिस इज इक्वल ऑफ आई, आई इक्वल ऑफ दिस, 8/π आ गया, सॉल्व करके देखेगा दिस 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 डिटो कॉन्सेप्ट आ गया, यहां पर क्या मिल जाएगा π/4, सो दिस दिस इक्वल ऑफ क्या आ गया 2, और आपने टिक लगा दिया। इतनी प्रिपरेशन होने के बाद विद इन 1 सेकेंड आप आंसर डिफाइन कर सकते हैं। अगर इतनी प्रिपरेशन नहीं है तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको इन कॉन्सेप्ट को रेडी करना है फिर इंटर करना है इस एग्जाम में, देखिए कभी आप किसी टेंशन में नहीं आएंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद रखता हूं आप इस क्वेश्चंस को देख करके अपनी तैयारी को किस डायरेक्शन में, किस मूवमेंट के साथ, किस वे के साथ आगे बढ़ेंगे आप समझ गए होंगे। और एक बात समझिएगा, किसी भी एग्जाम की, खासकर IJEE मेन एग्जाम के लिए, RJEE एडवांस के लिए, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। लाइफ के आदमी के अपने अपने फंडे होते, आप भी फॉलो करेंगे, राह नहीं आसान मगर नामुमकिन भी ना होगी। ध्यान देना, यह आसान राह नहीं है। किसी कंपटीशन को बीट करना, चेस करना, सक्सेस होना किसी कंपटीशन में आसान नहीं होता है। तो मैं आपके समझाना चाह रहा हूं, आपको बता रहा हूं, राह नहीं आसान मगर नामुमकिन भी ना होगी। राह नहीं आसान मगर नामुमकिन भी ना होगी। बंद करो, बंद करो फटाफट। चलो फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये IJEE एग्जाम में आया हुआ 2023 का ही है। देखें I इक्वल क्या लिखा, 0 to 1 मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 इंटू dx, देन 12 I इक्वल क्या होगा ये आपको डिसाइड करना है। मींस I की वैल्यू आ जाती 12 I आ जाएगा। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए किस किस पॉइंट की रिक्वायरमेंट है थोड़ा ध्यान दें। मॉड फंक्शंस का आपने इंटीग्रेशन के फार्मूले पढ़े होंगे, कोई सिंगल फार्मूला आपके पास नहीं है जो मॉड में डिफाइन हो इंटीग्रेशन के लिए। तो आपके पास यहां कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हाउ कैन यू एग्जिस्ट मॉड साइन फ्रॉम द प्रॉब्लम, कैसे इस मॉड साइन के बाहर आएंगे। कभी भी इंटीग्रेट करने वाली प्रॉब्लम आ जाए तो उससे मॉड साइन हटाना होगा। इसके लिए क्या करते हैं, देखो मॉड कॉन्सेप्ट की थ्योरी याद होनी चाहिए। मींस क्या है, आपके पास मॉड थ्योरी कौन सी पॉइंट याद होना चाहिए बोलो, मॉड थ्योरी कैसे हम इससे बाहर आते हैं। आप एक पॉइंट रेडी रखेंगे, अगर ये पॉइंट आपको रेडी है तो ये क्वेश्चंस आपको विद इन 1 सेकेंड 1 मिनट रेडी हो जाएगा। इन पॉइंटों की आपको जानकारी नहीं है तो प्रॉब्लम में आएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ध्यान देना होगा, इन टॉपिक को आपको स्ट्रांग बनाना होगा। कैसे रिमूव होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो मॉड फंक्शंस दिया जाए, मैंने क्या बोला है, जो मॉड फंक्शंस दिया गया हो उसे 0 को इक्वल इक्वेट कर लिया करें। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन है, किसी टाइप का क्यों ना है, 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। मैंने इक्वेट किया, क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 इक्वल ऑफ 0, क्लियर। इक्वेट करने के ठीक बाद इसकी वैल्यू वेरिएबल टर्म की डिफाइन करेंगे, वेरिएबल एक्स है मीन्स एक्स को डिफाइन करेंगे। आप सॉल्व कर लेते हैं, अब यहां पर आपको फैक्टर बनाना भी आना चाहिए, मींस फैक्टर प्रोसेस आपका क्लियर हो, x-1 × x-2 इक्वल ऑफ 0, सो दिस एक्स इक्वल ऑफ 1, 2। मींस जब कभी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम में मॉड इन्वॉल्व हो रहा हो तो पहला आपका काम है मॉड फंक्शन से बाहर आना। कैसे आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड फंक्शन पुट इक्वल ऑफ 0 एंड डिफाइन वैल्यू ऑफ एक्स। देखो मैंने 0 इक्वल पुट किया और एक्स की वैल्यू डिफाइन की। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, नाउ एक्स टेंस टू आप सिलेक्ट कीजिएगा लोअर लिमिट टू अपर लिमिट 0 to, देखो क्वेश्चंस में 0 to 3 होगा, देखें आप अपने क्वेश्चंस में 0 to 3 है ना, एक्स टेंस टू 0 और जो आपने एक्स की वैल्यू डिफाइन की है जो इस लोअर टू अपर लिमिट के बीच आ रही हो, एक्सटेंडिंग ऑर्डर में भटक देंगे। एसेंडिंग ऑर्डर में क्या आ गया, 0, 1, 2 and 3 एंड 2, 2 के पेयर बनाते हुए इसकी लिमिट क्रिएट बन जाएगी, बना लेंगे। ये मॉड फंक्शन से बाहर आने का आपके पास कॉन्सेप्ट ये रेडी होना चाहिए। यदि आपको रेडी है, वेरी गुड, नहीं है तो इंटीग्रेशन के लिए
इस थ्योरी को आपको रेडी करना होगा, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कितने सिंपल वे में सॉल्व कर लेंगे। सो दिस आई इक्वल ऑफ 0 to 1, क्लियर? क्या आ गया आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस आप 2 मॉड ऑफ दिस dx प्लस 1 to 2 एक्स मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू ऑफ dx प्लस 2 to 3 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू ऑफ dx। तो पहला तो आपने काम कर लिया, फंक्शंस के मॉड को रिमूव करने के लिए लिमिट को क्या किया, ब्रेक कर दिया। इसमें भी डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी आपके पास, वो भी रेडी होनी चाहिए, जिसको हम प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड बोलते हैं। मीन्स अपने अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस की अपर लिमिट को मेंटेन करते, फॉर्मेट करते जाते हैं और उसे एक सीरियल में आगे बढ़ाते जाते हैं। ये प्रॉपर्टी सेकेंड के अकॉर्डिंग आपने लिख दिया। मॉड यहां से रिमूव करना है, देखो सिंपल क्वेश्चंस बन जाएगा। मॉड रिमूव कैसे करते हैं, आप सभी को मालूम है, मॉड फंक्शंस का भी आइडिया होना चाहिए। मॉड एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो, क्या होता है? मॉड एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो, आर इसकी वैल्यू इस फॉर्म में भी आपको रेडी हो, मॉड एक्स इक्वल ऑफ एक्स एंड माइनस एक्स एंड जीरो। एक्स कब होता है? जब एक्स ग्रेटर पॉजिटिव आता है। ये कब होता है? एक्स लेस देन जीरो है, इफ एक्स इक्वल ऑफ जीरो। मीन्स मॉड फंक्शन हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा पॉजिटिव क्यों हो जाता है? आपको मॉड फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट रेडी हो। इन दी केस एक्स निगेटिव है तो बाहर माइनस साइन अप्लाई करने पर एक्स की निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा ना, इस थ्योरी याद है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मॉड फंक्शंस भी रेडी होना चाहिए। तो देखो फिर से फंक्शंस में मॉड फंक्शंस भी आपको रेडी करना होगा। अब देखते हैं मॉड से हमें बाहर आना है कैसे। मॉड फंक्शंस के लिए अदर वे में इसकी डेफिनेशन और भी याद रखें, प्लस माइनस ऑफ एक्स, आंख मीच के लिख सकते, मॉड फंक्शन रिमूव हो जाता है। बट यहां डिसाइड करना है कब प्लस साइन आएगा और कब माइनस आएगा, कैसे चेक करेंगे? देखो बोर्ड की ओर, मेरे साथ सीखेगा मॉड फंक्शन रिमूव करने के पहले प्लस और माइनस कैसे देखेंगे। आप क्वेश्चंस में लोअर एंड अपर लिमिट को देखिएगा, इसके ठीक मिड में, ठीक मिड नहीं, 0 to 1 लिमिट आ रही है, इसके बीच की कोई भी वैल्यू आप चूज कर लीजिएगा, इस फंक्शन में पुट करेंगे। देखो मैं पुट कर रहा हूं, 0 and 1 के बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो 1/2, एक्स इक्वल 1/2 दिमाग में रखा, इस मॉड फंक्शन के अंदर हमने रखा, 1/x के प्लेस पर 1/2 होल स्क्वायर माइनस 3 into 1/2 प्लस आप 2। सिंपल कीजिएगा, इसको क्या मिला, 1/4 माइनस 3/2 प्लस आप दिस 2। सॉल्व करके आपने देखा क्या गया, यहां से 1/4 माइनस दिस 6/4 प्लस दिस 8/4, क्लियर? इसका सिंपल वे में अंदर सॉल्यूशन देखे, वैल्यू क्या आती मत जाइएगा, नेचर देखेगा, 8196 3/4। बट मींस आया कैसा, पॉजिटिव। मींस लोअर एंड अपर लिमिट के बीच की कोई भी वैल्यू मॉड फंक्शन में आप पुट करेंगे, उसके बाद उस फंक्शन का सोल्यूशन अगर पॉजिटिव आए तो मॉड साइन आप हटा देंगे और बाहर साइन कैसा लगा देंगे, प्लस का हो गया। इस मॉड को हटाना, फिर वही थ्योरी, 1 and 2 के बीच, लोअर अपर लिमिट के बीच की वैल्यू चूज कीजिएगा, क्या हो जाएगी, बोलो 3/2 ले ली हमने, यहां पर आप पुट करेंगे, चेक करेंगे क्या वैल्यू आती है। अगर नेगेटिव सोल्यूशन आए तो मॉड हटाएंगे, बाहर माइनस रखेंगे। ओरल देखो, 9/4 3/2 पुट किया, दिस 9/2 दिस प्लस 2 आया, यहां से क्या मिला आप देखे, 9/4 माइनस 9/2 प्लस आप 2। एलसीएम ले लीजिएगा, 4 आ जाएगा, दिस 9 माइनस में दिस 18 प्लस में क्या आ जाएगा, 8। आप इसका सोल्यूशन देखें, 9/8 = 17 माइनस निगेटिव आ रहा है फाइनली सोल्यूशन। मींस मॉड हटाया और बाहर साइन कैसा अप्लाई कर देंगे, बोलो माइनस का। इस फंक्शंस को चेक कीजिएगा, इसको आपने देखा, मींस 2 and 3 के बीच की कोई वैल्यू आप चूज करेंगे, फिर इसमें पुट कीजिएगा, 2 and 3 के बीच की वैल्यू 5/2 क्लियर आ रही है ना, इसमें पुट कीजिएगा, देखो इसका सोल्यूशन पॉजिटिव आएगा। आपने क्या किया, मॉड यहां से रिमूव किया और प्लस साइन आ गया, कर लेंगे इतना। अब देखें इधर से, आप सभी को इंटीग्रेशन रेडी है, मैं इंटीग्रेशन का डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल आपको क्या मिलेगा, देखो आई इज इक्वल ऑफ आपके पास आ जाएगा 11, आई इक्वल ऑफ 11/6, इसको सॉल्व कीजिएगा
आई इक्वल क्या मिलेगा 11/6, बट आपसे क्वेश्चंस किया जा रहा है देन 12 आई इक्वल ऑफ दोनों साइड 12 से मल्टीपल करेंगे 11/6 इंटू ऑफ 12, देखो आंसर आ गया कितने सेकंड में, विद इन 2 सेकंड आंसर आया और डी ऑप्शन पर टिक मार दिया। तो इस क्वेश्चंस को रेडी करने के लिए जब हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बताएं, ये इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट शेयर ना करें आपसे, तो आपको लगेगा एक्चुअली ये क्वेश्चंस विद इन 2 सेकंड का ही है, आप इसी थीम को लेके आगे बढ़ जाते हैं, साल भर फिर से टाइम पास हो जाता है, लेकिन हम मेन वीकनेस पॉइंट पर को रीड नहीं कर पाते हैं और उसको हम तैयारी नहीं करते हैं, उसके लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं खुद को, फिर एग्जाम आती है फिर रिपीट खाते हैं। बट अब ऐसा नहीं करेंगे, इस टाइप की प्रॉब्लम को विद इन 1 सेकंड को सॉल्व करने के लिए हमें मॉड फंक्शन से बाहर आने का टेक्निक इंटीग्रेशन में रेडी होना चाहिए, अभी मैंने आपसे शेयर किया था। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को, किस नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, देखिए ये भी आपके जेई मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखा ए टेंजेंट एट पॉइंट पी ऑन द इलिप्स, क्या बोला है ए टेंजेंट एट पॉइंट पी ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल ऑफ 1 इज ड्रॉन इफ दिस टेंजेंट कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड बी देन फाइंड आउट मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी मीन्स मिनिमम लेंथ ऑफ ए बी, जो ए बी टेंजेंट की लेंथ एक्सिस के बीच में आएगी उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। पहले मैं फिगर बताता हूं फिर आपको समझाता हूं, इसके लिए आपको पहले से कितना रेडी होना होगा, कोई क्वेश्चंस विद इन 1 सेकंड और 1 मिनट का नहीं होता है, कब तक, जब तक कि आपने उससे रिलेटेड अदर कॉन्सेप्ट पर एक भरपूर मेहनत ना की हो। तो आज के बाद इन बातों को हटा देंगे कि क्वेश्चंस वेरी सिंपल आते हैं, बहुत सिंपल होता है, 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, हो जाता है, डेट श्योर है, बट उसके पहले आपकी बहुत सारी मेहनत छुपी होती है तब आपके लिए वो सिंपल होता है। आज के बाद किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए आपको सारी मेहनत अपने अंदर छुपा के रखनी है, आप देखो जितने खुशी से एग्जाम हॉल के अंदर एंटर करेंगे उससे डबल खुशी के साथ आप बाहर आ रहे होंगे, मींस आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। देखते हैं अपने क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्या है, एक कोई इलिप्स है, इलिप्स पर एक टेंजेंट ड्रा की गई है, वो टेंजेंट अपन की एक्सिस ऑफ एक्स एंड वाई को 2 पॉइंट पर कट करती है, बोलते हैं देन फाइंड आउट मिनिमम लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट मीन टेंजेंट लेंथ पूछी जा रही है जो क्वारिनेट एक्सिस के बीच लाई करती है, बट उसमें एक वर्ड यूज कर दिया है मिनिमम लेंथ, छोटी सी छोटी क्या लेंथ होगी जो टेंजेंट भी हो एक्सिस को कट करती हो, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस के लिए हमारे पास देखो क्या क्या थीम हो। पहला पैटर्न तो हमारे पास मिनिमम के लिए, एक हमारे पास कोऑर्डिनेट में इलिप्स का आइडिया हमारे पास रहना चाहिए, किसका आइडिया हो बोलो, इलिप्स का, टेंजेंट नाम ले रहे हैं तो टेंजेंट का भी हमें आइडिया होना चाहिए। दूसरी बात हमने कर ली, एक्सिस ऑफ एक्स को कौन कट करता है, टेंजेंट कट करता है, एक्सिस ऑफ एक्स पर हमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होता, कटिंग पॉइंट कभी डिफाइन करने हो तो एक्सिस ऑफ एक्स एंड वाई के कटिंग पॉइंट डिफाइन करने के आपको मालूम है एक्सिस ऑफ एक्स के लिए वाई 0 पुट कर देते क्रम में आ जाता है और y के लिए x पुट करते हैं, ये भी आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। साथ में मिनिमम वर्ड आ रहा है, जहां मिनिमम एंड मैक्सिमम वर्ड आने लगे तो समझ लेना ये क्वेश्चन हमारा किसी अदर टेक्निक से तो सॉल्व हो सकता है बट मैक्सिमा एंड मिनिमा कॉन्सेप्ट से भी तो हो सकता है। देखो फिर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम, दो चीज देखते हैं आंसर डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चंस को बाई फिगर देखते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 36 वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल ऑफ 1, दिस इज ए इलिप्स, लिख भी दिया है इन लोगों ने, नाम लिखा है, आप आईआईटी में सबमिट हो रहे जी एग्जाम में तो डेट से हो रहा है आपको इलिप्स का फॉर्म एंड फिगर जनरल वे में तो आइडिया होगा ही। देखो मैंने एक फिगर ड्रा किया बोर्ड में, दिस इज ए इलिप्स, क्लियर, बात करते हैं एक टेंजेंट की बात ले रहे हैं ये लोग, नाउ वी कंसीडर आल्सो दिस इज लाइन ए बी इज ए टेंजेंट
एक्सिस ऑफ एक्स एंड वाई को किस किस पॉइंट पर कट करता है, बोलो ए एंड बी पर। आपका क्वेश्चन सॉल्व होने की पोजीशन में आ गया। इस ए बी लेंथ को ही बताना है, दिमाग लगाएं आप। अगर कोऑर्डिनेट ए का मालूम हो, कोऑर्डिनेट बी का मालूम हमें मिल जाए, तो हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फार्मूले से क्या इसकी लेंथ नहीं बता सकते हैं, कंफर्म बता सकते हैं, बट फिर उसके साथ मिनिमम का एंड मैक्सिमम का जब वर्ड आ रहा है तो हमारा डायरेक्ट डेटो वो पॉइंट नहीं आएगा जो लेंथ मिलेगी। मिनिमम लेंथ के लिए हमें इसमें मिनिमा और मैक्सिमा का कांसेप्ट यूज करना होगा। तो मींस हमें इसके साथ साथ और किसकी स्टडी हमारे पास होनी चाहिए, पहले से बोलूं मैक्सिमा एंड मिनिमा की स्टडी हमारे पास हो, तब इस टाइप का प्रॉब्लम, मींस ये प्रॉब्लम आपके लिए विद इन 1 सेकेंड 1 मिनट सॉल्व होने की सीरीज में आ जाएगा। और इस टाइप की प्रॉब्लम कभी भी किसी एग्जाम में आपके सामने आ जाए, आप उसको चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लेंगे। तो क्या क्या तैयारी करनी होगी आपको फ्यूचर के लिए, जब इस तरह के एग्जाम में बैठे, इलिप्स की स्टडी करना होगा इस क्वेश्चन के लिए, मीन्स कॉनिक सेक्शन बहुत अच्छा सा रेडी हो, उम्मीद रखता हूं। अगर इस बार अच्छा नहीं कर पाए हैं तो फ्यूचर के लिए आप रेडी करने के बाद एंटर करेंगे एग्जाम हॉल में। टेंजेंट है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब इस टेंजेंट का मैटर आ गया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, क्वेश्चन ऑफ द टेंजेंट ऑफ दिस फॉर, बट इसके लिए कैसे हम टेंजेंट डिफाइन करें, कोई सा लॉजिक होना चाहिए। एक टेंजेंट का कॉन्सेप्ट होता है टेंजेंट ऑफ दी कर्व एट दी पॉइंट x1 एंड y1। मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इक्वेशन ऑफ दी टेंजेंट ऑफ एन एलिप्स एट दी पॉइंट x1 y1 क्या होता है, देखो x1 अपॉन ऑफ a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल ऑफ 1। बट अगर इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया तो हमारा क्वेश्चन लेंदी होगा। हम यहां पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एन इलिप्स क्या होते, याद रखेंगे ए कॉस थीटा आल्सो दिस बी साइन थीटा। क्या होते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एन इलिप्स, बोलो ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा। ये आपको किससे, कॉनिक सेक्शन से आइडिया मिलेगा। ए एंड बी की वैल्यू इक्वल यहां से क्या आ रहा है, देखो इक्वल ऑफ 6 आ गया, बी इक्वल आपके पास क्या आ रहा है, बोलो 4 आ गया। क्यों हमें इस टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, फिर हमें कोऑर्डिनेट ए एंड बी लेंथ डिफाइन करना है, बात बन जाएगी। मैंने आपसे बोला है टेंजेंट मिले, इस लॉजिक का यूज कीजिएगा। कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, बोलो 6 कॉस ऑफ थीटा कॉमा 4 साइन ऑफ थीटा। इन पॉइंट को इसके अकॉर्डिंग इसकी हेल्प से सॉल्व कीजिएगा तो देखो क्या मिल जाएगा। बोर्ड की ओर देखें, टेंजेंट आपके पास आ जाएगा, थोड़ा देखें टेंजेंट मीन सोल्यूशन की बात कर रहा हूं, सोल्यूशन होने लगा है आपके क्वेश्चंस का। टेंजेंट का इक्वेशंस क्या होगा बच्चों बताएंगे क्या, उसकी हेल्प लीजिएगा, पॉइंट पुट कीजिएगा x1 एंड y1 के प्लेस पर। देखो टेंजेंट आपके पास क्या मिल गया, x अपॉन 6 इंटू ऑफ cos थीटा प्लस y अपॉन 4 इंटू ऑफ sin थीटा इक्वल ऑफ 1। क्लियर, ये टेंजेंट आ गया जिसको फिगर में आप ये भी देख रहे हैं। बिल्कुल आपको अदर सॉल्वर की तरह मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं कि आप पढ़ने के बाद देखने के बाद भी सॉल्व करने की एफिनिटी गेन ना कर पाए, 150 गेन कर लेंगे। ये क्या आ गया, ये भी टेंजेंट आपको मिल जाएगा। आपसे बोला है मिनिमम लेंथ ऑफ दी टेंजेंट ए बी हुज लाइज बिटवीन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई, मींस ए बी डिस्टेंस हमें चाहिए, बात बन जाए तो बना लेंगे। कैसे मिल सकता है इसके, हमने इंटरसेक्ट पॉइंट आप डिफाइन कीजिएगा, 1 टाइम पुट एक्स इक्वल 0 एंड अदर टाइम पुट वाई इक्वल 0। फिर एक्स इक्वल 0 देन वाई इक्वल क्या मिल जाएगा, बोलो जल्दी से, यहां से बी का कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया 4 अपॉन साइन थीटा, देखो कामा 0। ए का कोऑर्डिनेट वाई इक्वल 0 पुट कीजिएगा, वाई इक्वल 0 पुट किया, एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, बोलो 6 अपॉन कॉस थीटा कामा 0। क्यों, लेंथ ऑफ दी टेंजेंट का ही तो मैटर क्रिएट कर रहा है। आपने देखा हमें 2 पॉइंट एंड ए बी के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला यूज कर दीजिएगा। देयरफॉर टेंजेंट लेंथ सारा क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, टेंजेंट लेंथ इक्वल ऑफ ए बी। कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला आपको आता है, सॉल्व कीजिएगा क्या आ जाएगा। देखो इधर से रूट ऑफ दिस माइनस, देखिए कोऑर्डिनेट मैंने गलत ये लिख दिया था, 0 दिस 4 अपॉन ऑफ दिस क्या आ गया, साइन ऑफ थीटा 4 अपॉन साइन थीटा। सो दिस x2 माइनस x1
होल ऑफ स्क्वायर 36 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई टू माइनस वाई वन अपॉन होल ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा बोलो 16 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। लो टेंजेंट लेंथ आ गई, जो भी करना है इसी का सब कुछ कीजिए और अदर कोई टेंशन नहीं आपको। इसको अदर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए बी, ए बी इक्वल ऑफ रूट 36 कॉस स्क्वायर थीटा नोमरेटर में जाएगा बोलो क्या हो गया 6 स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ दिस 16 कॉसिक स्क्वायर थीटा। बात किसकी कर रहे हैं, मिनिमम लेंथ टेंजेंट लेंथ की। तो यहां से आपको अब कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना होगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या होता है दिमाग में आप लाएं, मैं जो वर्क कर रहा हूं अगर ये पॉइंट क्लियर ना हो तो मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट को आप सर्च करेंगे, समझेंगे, रीड करेंगे, देखें। सो दिस ए बी डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमने क्या किया यहां पर आपके पास रूट आ रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा टिपिकल आ रहा है, हमने इस डिस्टेंस को किसके इक्वल एज्यूम कर दिया, डी के इक्वल। दोनों साइड का हमने क्या किया स्क्वायर, क्यों डिफ्रेंशिएट करना है इसलिए हम इसको स्क्वायर मार देंगे, ये क्या हो जाएगा बोलो डी स्क्वायर। वर्क किसका हो रहा, मैक्सिमा एंड मिनिमा का हो रहा है, डी स्क्वायर को हमने आगे चल के डी वन एज्यूम कर लिया, ये रूट हट जाएगा अपना क्या गया 36 स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉसिक स्क्वायर ऑफ थीटा, इक्वेशन आ गया। मैक्सिमा मिनिमा के डिफाइन कॉन्सेप्ट से हमने सॉल्व किया, वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे सो डी वन डैश डी डी वन अपॉन डी थीटा डिफाइन करेंगे, मींस थीटा के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, क्यों इसमें थीटा ही तो वेरिएबल है आपने एज्यूम किया है, सो डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो कॉमन कैलकुलेशन 36 इंटू 2 sec थीटा, sec थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बोलो sec थीटा इंटू ऑफ tan थीटा, इसके बाद का कैलकुलेशन मैं डायरेक्ट बताऊंगा। दिस 32 cosec थीटा, कॉसिक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों आपको पता है, माइनस कॉसिक थीटा इंटू ऑफ कॉट थीटा, क्लियर। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आप सभी को पता है मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये आपके क्लास 12th में बताया गया होगा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए कॉमन कॉन्सेप्ट क्या होता, फर्स्ट डिफरेंशियल कॉफिशियंट कितने के इक्वल पुट कर देते हैं, डी डी वन अपॉन डी थीटा इक्वल ऑफ जीरो, जीरो के इक्वल पुट करते हैं। जैसे आप इसे जीरो के इक्वल पुट करेंगे, आगे का कैलकुलेशन मैं आपको थोड़ा फास्ट बता रहा हूं ध्यान देना, सॉल्व करेंगे 32 जाके आ गया 72, दिमाग में ये फीलिंग बिल्कुल नहीं लाएंगे हम ऐसे सॉल्व करेंगे मेरे 2 घंटे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा पैटर्न वो आपको नहीं बताया जा रहा है, आपको पैटर्न वो बताया जा रहा है जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपका ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। देखे 72 क्या आ जाएगा, सिक स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया 1 + 10 स्क्वायर ऑफ थीटा आया, साइड में क्या लिखा है बोलो 10 ऑफ थीटा आया, चेंज कर रहा हूं माइनस 16 × 2 = 32 आ गया, कॉसिक कॉसिक थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइड में क्या आया कॉट थीटा, इसको मैं चेंज कर रहा हूं 1/10 स्क्वायर थीटा में, टोटल से कॉमन क्या आ जाएगा इक्वल ऑफ जीरो पुट किया सॉल्व कर रहा हूं ध्यान देना, 1 + 10 स्क्वायर थीटा आपके पास बाहर आएगा, अंदर में क्या रह गया थोड़ा सा ध्यान देना इस ब्रेकेट में 72 tan थीटा, इसको ब्रेक किया 1 + 1/10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा 1/10 थीटा 10³ थीटा, इधर आके क्या हो गया 10⁴ थीटा, यहां पर क्या रह जाएगा माइनस दिस 32 अपॉन में नीचे क्या मिलेगा 10³ ऑफ थीटा इक्वल ऑफ जीरो है आपके पास, सब जीरो के साथ लेकर के हटा दिए बेकार हो गए, क्या करेंगे आप, आपको तो थीटा चाहिए, आप इसके इसको सॉल्व कीजिएगा क्या मिल जाएगा बोलो 10⁴ थीटा इज इक्वल ऑफ 32/72 कैंसिल आउट कीजिएगा क्या आया 16/36 क्लियर। ऑल्सो दिस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल क्या मिल जाएगा 4/6 क्लियर। ऑल्सो दिस फिर से रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पर 10 स्क्वायर 32 मींस कितना आ गया 2 से कैंसिल आउट कर दिया कितना हो जाएगा 16/36
इसका रूट लेंगे तो क्या आ गया 4/6, तो 10 स्क्वायर 10 4 थीटा, मींस ये अभी यहां पर मैं कैंसिल कर रहा हूं, ये कितना है 4/6 होल ऑफ स्क्वायर, दिस 2/3। इसे एक मिनट यहां से फिर से देख लेते हैं, 7 × 10⁴ θ − 32 आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे उस साइड ले गए, 10⁴θ 32/72 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, 4/6 होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम रहेगी? नो। जब कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसको हमने इससे कैंसिल आउट किया, ये कैंसिल होके क्या आ गया बोलो, 2/3। क्लियर? इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √2/√3 होल ऑफ स्क्वायर। मींस आ गया, आपने यहां सॉल्व कर लिया, 10 θ की वैल्यू डिफाइन कर ली, √2/√3। क्लियर? आप देखें यहां पर हमने एक ट्रेंगल मेंटेन कर लिया, थीटा, 10 θ इक्वल क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया, हाइपोटेनियस क्या मिल जाएगा, √5 आ गई आपकी लेंथ। देखो मिनिमम वैल्यू डिफाइन की, 10 θ मिल गया ना, कोई प्रॉब्लम फेस मत कीजिएगा, तुरंत यहां पर टेंजेंट लेंथ वाले फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिएगा। आपने जैसे इसमें पुट किया, AB इक्वल ऑफ रूट, इधर आ गया 36, 6 स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आपका रेडी होना चाहिए, 6 θ, हाइपोटेनियस अपॉन बेस आ गया, स्क्वायर आ रहा क्या आ गया 5/3, दिस प्लस क्या आ रहा है बोलो 16, कॉसिक स्क्वायर थीटा में क्या आ जाएगा √5/2, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा ना, कैंसिल आउट कीजिएगा, मीन्स दिस 8 दिस 12 इक्वल √60 + 40 इक्वल ऑफ क्या आ गया 10। देखो आपका ऑप्शन इसका कौन सा है, 10 आ गया। सो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ AB इक्वल क्या है 10, जो 10 ऑप्शन दिया है ये आपकी मिनिमम लेंथ आ गई। तो ध्यान दें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत झूठ है आपके साथ जो शेयर किया जाता है कि क्वेश्चन कुछ नहीं है, विद इन 1 सेकेंड का है, आप क्यों परेशान होते हो, आपने तैयारी सही नहीं की, विद इन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। नो, आज तक आप इसी थीम के आगे आगे बढ़ते रहे हैं, आप हर रिजल्ट का रिजल्ट भी चेक करते आए हैं, फेस करते आए हैं, अब आप समझ जाइए, अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। किसी भी काम के लिए इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने देख लिया हमारे अंदर कितनी पावर होनी चाहिए। यहां पर हमें कोऑर्डिनेट, कॉनिक सेक्शन मींस इलिप्स का भी बहुत अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए, टेंजेंट ऑफ द इलिप्स का भी नॉलेज होना चाहिए, साथ में मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉमन नॉलेज होना चाहिए, साथ साथ में डिफरेंशियस एंड कैलकुलेशन, तो कॉमन बात आ गई आपके पास, तब कहीं इस क्वेश्चंस को आप फास्ट वे में सॉल्व करने की एफिनिटी अपने अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो अब फ्यूचर के लिए आप इस तरह सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, ये क्वेश्चन JEE 2023 में आई हुई एग्जाम्स का क्वेश्चंस है। क्या लिखा है, इफ आर इक्वल 0 σ 2023 r² 2023 cr इक्वल ऑफ 2023 इंटू अल्फा इंटू 2 पावर 2022, देन अल्फा इक्वल, मींस ये कंपैरिजन का क्वेश्चंस बन रहा है। लेफ्ट साइड हम इसे सॉल्व करें, किया जाए, इसके मल्टीपल में 2023 रहना चाहिए, दिस भी कांस्टेंट आना चाहिए, फिर अदर जो मल्टीपल में आए वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, अल्फा की, फिर आपसे पूछा जा रहा देन अल्फा इक्वल, तो अल्फा क्या हो? क्लियर हुआ, हमें लेफ्ट साइड का सोल्यूशन आना चाहिए। अब हम लेफ्ट साइड को हिंदी के सॉल्व करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाएं, सिग्मा का कॉन्सेप्ट सबको रेडी है, आर की वैल्यू में पुट करता हूं, आर इक्वल 0, तो हमारे पास क्या मिला, देखो 0² 2023 × c0 + 1 पुट किया 1² 2023 c1 + 2² 2023 c2 + ... करके सॉल्व करेंगे, देखें बोर्ड की ओर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2023, अपर वैल्यू पुट करेंगे होल ऑफ स्क्वायर 2023 c2023, इस वैल्यू का सोल्यूशन आया हमारे पास। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ ज्यादा टाइम मेरा ड्रा होगा, तो
अदर कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, देखें कुछ रिजल्ट आपके पास है, मैं नोट कर रहा हूं। सिग्मा आर इक्वल जीरो टू एन, एन सी आर क्या होता है पढ़ा होगा बच्चों आपने, टू दी पावर एन। सिग्मा आर इक्वल जीरो टू एन आर एन सी आर अगर लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एन इंटू टू दी पावर एन माइनस वन। अदर रिजल्ट आपने इसी फॉर्म में बनाते चले जाते हैं, आर इक्वल एन आर आर माइनस वन आ रहा है, एन सी आर आता है तो वैल्यू क्या होती है, एन इंटू एन माइनस वन टू दी पावर एन माइनस टू। इतने कॉन्सेप्ट से हमारा वर्क काम कंप्लीट हो जाएगा ना, इसी ऑर्डर में बढ़ाते चले जाते हैं। अब इनके विषय में थोड़ा देखा जाए, इसमें आपको बाइनोमियल कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छी सी स्टडी होनी चाहिए, क्या रेडी होना चाहिए, देखें देखो मेरे साथ ये रिजल्ट कैसे बनते हैं, थोड़ा आइडिया आपको दे रहा हूं। वन प्लस एक्स होल टू दी पावर एन, मेरे साथ काम कीजिएगा सारे स्टूडेंट, फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है बोलो, वन प्लस एन सी वन इंटू ऑफ एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन सी एन इंटू एक्स टू दी पावर एन। इसको देखिए बहुत अच्छे से, देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें आप डिटो एक्स इक्वल पुट कर दें, एक्स इक्वल वन क्या पुट कर दिया, सीधे सीधे एक्स इक्वल वन पुट कीजिए, देखो बोर्ड की ओर, तो वन प्लस वन क्या आ गया, टू दी पावर एन, राइट साइड देखो क्या मिला, वन प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस डॉट डॉट, लास्ट में क्या आ गया, एन सी एन ही तो आ जाएगा ना। इसको देखिए इस पार्ट के लिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आर इक्वल जीरो टू एन एन सी आर, देखो आर इक्वल जीरो पुट किया, एन सी जीरो मीन्स वन आ गया, आर इक्वल वन पुट किया, सेकेंड थर्ड फोर्थ दिस मीन्स कैसे आया, दिस वैल्यू टू दी पावर एन मीन्स बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक्स इक्वल हमने डायरेक्ट जब वन पुट किया। सेकेंड रिजल्ट कैसे बनता है देखें, ये क्वेश्चन ही आता है, नाउ डिफरेंशिएट दिस बाइनोमियल फॉर्म ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया है नीचे आएगा वन प्लस एक्स होल टू दी पावर ऑफ एन माइनस वन, राइट साइड देखें वन का जीरो हो गया, यहां से क्या मिला बोलो, एन सी वन, एक्स का क्या आ गया वन, एन सी वन का मतलब एन आ गया आपके पास, एन सी वन प्लस ऑफ एन सी टू, अगला टर्म क्या बन जाएगा बोलो, डॉट डॉट लास्ट में क्या आ गया, एन सी एन, कोई प्रॉब्लम रहेगी। थोड़ा सा बात देखें, यहां पर हमने क्या पुट किया, किसकी बात कर रहा, लो हमने यहां पर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, मैंने उन टर्म को नोट नहीं किया, अभी नोट करके दिखा रहा हूं, एन सी वन एक्स का वन आ गया, एन सी टू प्लस एन सी टू इंटू में क्या आया बोलो, टू एक्स नहीं आया क्या, प्लस अगला टर्म अगर हम लिखें तो एन सी थ्री इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इंटू एन सी एन। अब इसमें x इक्वल वन आप पुट करके देखें, x इक्वल वन पुट किया तो यहां पर क्या मिला बोलो, n इंटू टू दी पावर में क्या आ गया, n माइनस वन, राइट साइड देखो क्या आ गया आपके पास, एन सी वन, क्लियर, प्लस ऑफ एन सी टू, टू प्लस टू इंटू एन सी टू प्लस ऑफ यहां थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब में यहां क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एन सी थ्री प्लस डॉट डॉट क्या मिला, एन इंटू एन सी एन। देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को देखें, यही रिजल्ट आपका इस फॉर्म को फॉर्मेट बना के देता है, क्या आ रहा है बोलो, एन सिग्मा आर, एन आ रहा है ना आपके पास, एन सी वन को क्या लिख सकते हैं बोलो, एन लिखा जा सकता है ना, सिग्मा आर इंटू एन सी आर आर इक्वल जीरो टू एन, इस तरह ये आपके रिजल्ट फॉर्मेट होते हैं। चलो इनकी बात हटा देते हैं, आपकी तीन रिजल्ट रेडी हैं इन दी केस, इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत फास्ट सॉल्व करने के लिए अब आपको देख समझ में आ गया होगा किसकी स्टडी हमें चाहिए, हमें बाइनोमियल थ्योरम की भी स्टडी कर लेनी चाहिए, तब देखते मीन्स हमें ये रेडी है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस पैटर्न को हम फॉलो ना करें, हमने क्या किया इस क्वेश्चंस को लिया और कैसे सॉल्व किया देखें, थोड़ा बोर्ड की ओर, सिग्मा आर इक्वल जीरो टू एन मीन्स टू जीरो टू थ्री आ गया, इस आर स्क्वायर को मैंने कैसे लिखा, आर इंटू आर, क्या नहीं लिख सकते आर स्क्वायर को, लिख दिया, इसको हमने क्या लिखा आर माइनस वन, ऐसे भी बना दिया आर स्क्वायर माइनस का आर आ गया, देखो प्लस में क्या लिख दिया आर, इधर लिख दिया,
इसका फाइनली रिजल्ट देखिएगा क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर होगा, बाहर क्या लिखा है 2023 CR, क्लियर। अब इससे रिजल्टों का यूज कीजिएगा, देखो क्या मिल जाएगा, आल्सो इक्वल राइट साइड जो आ रहा है बाद में बात करेंगे, इसकी वैल्यू आर आर माइनस वन आर इक्वल 0 to 1, एन सी आर इक्वल क्या लिखा बोलो, एन एन मीन्स यहां पर कितना है 2023 इंटू एन माइनस वन, 2023 में एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा बोलो 2022 इंटू में क्या लिखा है बोलो, देखो उधर 2 to the power n minus 2 n इक्वल क्या है 2023 मीन्स 2021, क्लियर, कोई प्रॉब्लम रहेगी। अब इसका राइट साइड क्या है अपने क्वेश्चंस का, देखो आपने इसको सॉल्व कर लिया, इस पैटर्न से सॉल्व ना कि नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट रेडी है आपने विद इन 1 सेकंड सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। राइट साइड क्या लिखा देखो 2023 इंटू एल्फा, एल्फा भी लिख दिया इंटू 2 to the power of 2022, मेरे साथ कैलकुलेशन कीजिएगा देखो क्या आ जाएगा 2023 कैंसिल आउट, इस टर्म को देखें दो इससे ले लीजिएगा कॉमन और इसको कैंसिल किया 2022 कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या रह गया राइट साइड एल्फा, इसका हाफ टाइम कर दीजिएगा 2, इसके साथ सबमिट किया है तो 1011 इक्वल क्या आपके पास एल्फा नहीं आ गया, कोई प्रॉब्लम रहेगी बोलो क्या आ गया 1011, एक मिनट 1011 इधर आया, उधर क्या लिखा था आपके पास 2023 देन एल्फा इक्वल डिफाइन करना था हमको, देखो इसमें 2011 वैल्यू कितनी है 1012, इसको एक बार फिर से ट्राई करके देखो, मैंने कंपेयर किया दोनों साइड 2021 लिखा है अपने पास इधर, ए अच्छा 2 हमने इससे मल्टीपल करके लिखा है ना, क्या किया है मल्टीपल करके लिखा है, और हमारे पास इधर क्या रह गया है अल्फा आ रहा है, इक्वल में अल्फा इतना ही दिया गया है आर आर माइनस वन प्लस, अच्छा हाँ एक स्टेप देखो मैंने इसमें गायब कर दिया है, क्या रहा आर इंटू ये भी तो आएगा, इसके प्लेस पर क्या लिख जाएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एन, एन मीन्स इसके साथ में भी और एक टर्म आएगा, इसका कैलकुलेशन मैं यहां लिख रहा हूं क्या आ गया एन मीन्स 2023 क्लियर, इंटू में क्या लिखा उधर देखो 2 to the power of n minus 1 2022 आ जाएगा बोलो, अब देखो थोड़ा इधर से जब मैंने कैंसिल आउट किया ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2022 कट जाएगा, यहां पर क्या रह जाएगा प्लस ऑफ वन मीन्स एल्फा इक्वल क्या आ गया 1012 मीन्स कौन सा है ऑप्शन आपका क्लियर हो गया बी। अब आप सोच रहे होंगे इसको सॉल्व करने के लिए हमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, 3 कॉन्सेप्ट रेडी हो काम चल जाएगा, कॉन्सेप्ट रेडी नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम बन रहा है ना, बट ऐसा नहीं है, इनको लर्न करके आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्या कंपलसरी अगले एग्जाम में यही आएगा, मीन्स हमें बाइनोमियल थ्योरम को टाइम रहते हुए रेडी कर लेना है। चलो देख तो ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया जो कॉन्सेप्ट आया है ना, अब चलो देखते हैं अगले क्वेश्चंस को, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे, क्वेश्चंस पढ़िएगा क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 6 देयर आर 12 सब्जेक्ट इन क्लास, आपसे बोला गया है किसी क्लास के लिए 12 सब्जेक्ट है, उन 12 सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट लैंग्वेज बेस्ड है एंड 7 अदर सब्जेक्ट है, आपसे बोला गया है देन इफ यू चूज ओनली 5 सब्जेक्ट Also in 5 subject, at most 2 subject based on language, means simple way में समझे तो आपके पास 12 subject हैं, 12 में 5 को चूज करना है, इन 5 में से आपके अधिक से अधिक यदि language लेना चाहते हैं तो 2 language के subject होने चाहिए, 3 other हो, जब at most की बात आ जाए तो आपके पास possibility है, chance है एक भी language ना चूज करें, 1 language चूज करें, 2 language चूज करें, इसके करेक्ट होने अदर से लेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ 12 सब्जेक्ट आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, किस में बोलो 5 and 7, 5 बेस्ड ऑन लैंग्वेज, 7 बेस्ड ऑन अदर, ये किस पर आ गए लैंग्वेज पर, क्लियर। अब आपको 5 सब्जेक्ट चूज करना है तो लैंग्वेज के लिए बोला है एट मोस्ट 2, मीन्स एक भी लैंग्वेज का सब्जेक्ट नहीं लेते हैं, आर ओनली 1 लेते हैं,
कितना सब्जेक्ट लेते हैं वन, आर हम दो सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं किसके, लैंग्वेज के। जब हमने लैंग्वेज का जीरो सब्जेक्ट, एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया है तो हमें अदर से कितने लेने होंगे बोलो, सेवन, फाइव, नो सेवन, कितने चूज करने होंगे बोलो, फाइव। जब हमने लैंग्वेज में एक सब्जेक्ट लेंगे उस पोजीशन में हमारे पास अदर से हम कितने चूज करने की हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी बोलो, फोर की, फोर वन फाइव आ गया। जब हमने लैंग्वेज के दो सब्जेक्ट लिए होंगे उस पोजीशन में अदर से कितने ले पाएंगे बोलो, थ्री। अब इन सिचुएशंस को देखते हैं, एक भी सब्जेक्ट नहीं लेते हैं, एक सब्जेक्ट लेते हैं और टू सब्जेक्ट लेते हैं, मींस ये सिचुएशन जो है आपकी विद इन वन टाइम क्रिएट नहीं होगी, मींस इस तरह की इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएंगी, परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी। जब कभी परस्पर अपवर्जी घटनाएं, आर वर्ड आता है यहां पर, तो उनके लिए कौन सा साइन यूज करते हैं याद कीजिएगा, प्लस। इधर बोला है जीरो ऑफ लैंग्वेज सब्जेक्ट एंड फाइव आर अदर सब्जेक्ट, वन आर लैंग्वेज एंड फोर अदर, टू ऑफ लैंग्वेज, थ्री अदर, एंड वर्ड आ रहा है, एंड वर्ड आता है तो एंड के लिए बोला गया है। फाइनल रिजल्ट डिफाइन क्या करते हैं, मल्टीपल। अब इस सिचुएशन का फाइव सी जीरो मीन्स इसका फॉर्म क्या बनेगा, फाइव सी जीरो, पांच में से एक भी ना लिया जाए, सेवन सी फाइव, सेवन सी फाइव इसके लिए आ जाएगा। इधर क्या आ गया, प्लस, प्लस आप अप्लाई कर देंगे, फाइव में से एक लेंगे तो क्या चांस आ गए, एनसीआर कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से, फाइव सी वन इंटू सात में से कितना लेंगे, सेवन सी फोर। मल्टीपल क्यों हो रहा है, देखो एंड वर्ड आ रहा है, मींस आपके पास कैसे है ये मिक्स्ड इवेंट आ रही है। इधर क्या आ गया, देखो थ्री, इसका फॉर्म क्या बनेगा, पांच में से कोई दो लैंग्वेज के सब्जेक्ट चूज कीजिएगा, फाइव सी टू इंटू ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास बोलो, सात में से कितने ले सकते हैं अदर सब्जेक्ट, सेवन सी थ्री, और आप इन्हें ऐड कर लेंगे, जो भी कुछ आंसर आएगा उसमें आप टिक लगा देंगे, समझ लिया ना। अब इस क्वेश्चंस को देखते हैं, देखो ये भी आपका क्वेश्चंस वेरी सिंपल टाइप का है, कैसे सॉल्व करेंगे बोर्ड की ओर देखें, क्वेश्चंस क्या लिखा है, एक्स इस फंक्शंस को पहचाने, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा है, इसे महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। देखो इसे सॉल्व करना है, लिखा है वेयर इट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन क्या बोला गया है, देन एक्स हैविंग सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन, एक्स की क्या क्या वैल्यू होंगी, ऐसा क्वेश्चन आपसे कुछ किया गया है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो लेफ्ट साइड के फैक्टर मेंटेन कीजिएगा, क्या मिल जाएंगे, एक्स माइनस वन इंटू ऑफ एक्स माइनस थ्री, ऑल्सो टेकन इन आर एच एस कॉमन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो ब्रैकेट में क्या गया एक्स माइनस वन, इसको लेफ्ट साइड लाइएगा, टोटल से कॉमन क्या गया एक्स माइनस वन, अदर ब्रैकेट में मिल गया एक्स माइनस थ्री माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल ऑफ जीरो। आप इसे सॉल्व करके देखेंगे, यहां पर देखें दिस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंडिकेट्स ए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सो दिस एक्स माइनस वन इधर पे क्या आ गया, इन दोनों की जगह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस थ्री इक्वल ऑफ जीरो। अब इससे आप देखेंगे एक्स माइनस वन इक्वल ऑफ जीरो इंप्लाई दैट एक्स इक्वल वन, एक्स की एक वैल्यू तो रियल आ गई आपके पास, बट इसको देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस एक्स थ्री को हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, एक्स माइनस थ्री माइनस डी थ्री इक्वल ऑफ जीरो नेवर पॉसिबल, बिकॉज दिस इंडिकेट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मींस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, भिन्नात्मक फलन, कौन सा फलन जिसकी वैल्यू जीरो एंड वन के मिड में रहती है, मींस जीरो से बड़ी होती है और एक से छोटा रहता है, ये तो थ्री आ रहा है, कभी इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट थ्री नहीं मिलेगी, मींस ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा, इससे एक्स की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, क्या लिखेंगे नो सोल्यूशन। तो क्लियर हो गया, सोल्यूशन कितने मिले आपको जो एक्स की वैल्यू पॉसिबल है, वन आ रही है ना, वन देखें किस किस के बीच लाई करता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट के बीच लाई करता है, मींस रियल नंबर में, और नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, ओनली वन, कितना आ रहा वन। अब आप देखेंगे ऑप्शन आपके उसमें दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, मींस माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट के बीच सोल्यूशन लाई करते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आ गए, एक्स इक्वल वन, इसकी वजह से नहीं आया वन, एक्स की वैल्यू नंबरिंग में वन आ रही है, इसीलिए नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे, वन होंगे। क्लियर, टिक लगा लेंगे और आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर एट लिखा है, क्या है देखें बोर्ड की ओर,
देखो एक आपके पास मैट्रिक्स से दिया हुआ है, लिखा है इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। जब कोई डिटरमिनेंट से एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट कितने के इक्वल आता है? जीरो के इक्वल आता। बट थोड़ा ध्यान दें, मैं इस क्वेश्चन की ओर आप सारे स्टूडेंट का ध्यान अट्रैक्ट कराना चाहता हूं। इसका आप कोई हेल्प मत लीजिए, कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपके इसके सोल्यूशन बनाने में। लिखा है दिस इज इक्वल, थोड़ा सा ध्यान दें, इसका एलसीएम इक्वल कीजिएगा, देखो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस आप सी माइनस ए होल क्यूब अपॉन ऑफ दिस ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ऑफ सी माइनस ए। मेरी बात को पकड़िएगा, मैंने बोला कहीं कुछ इसका मतलब नहीं है, इसका सोल्यूशन चाहिए। क्या लिखा, इसका हमने एलसीएम ले लिया, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए हमने मल्टीपल किया और कुछ इस तरह क्वेश्चन आ गया। यहां पर हमने एक आइडेंटिटी दिमाग में आपके आ गई, ए क्यूब प्लस आइडेंटिटी एक में नोट कर रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ऑफ सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। याद कीजिए क्लास नाइन्थ में आइडेंटिटी आपको बताई जाती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर? इन दी केसेस आइडेंटिटी में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो आता है तो राइट साइड टोटल क्या हो जाएगा, बोलो जीरो। मींस इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, थ्री ए इंटू बी इंटू सी। अब आ जाए अपने क्वेश्चंस पर, देखो इसमें एट दी प्लेस आप ये क्या लिखा, ए माइनस बी एट दी प्लेस आप बी बी माइनस सी एट दी प्लेस आप सी माइनस ए। तीनों को एड कीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी करके, देखो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए जीरो हो रहा है। मींस ये राइट साइड इसका क्या आ रहा है, जीरो। इस आइडेंटिटी का यूज किया मींस इसके इक्वल क्या आ गया, थ्री ए बी सी। मींस दिस आल्सो कैन बी राइट थ्री टाइम ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए अपॉन ऑफ दिस ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। सो दिस दिस एंड दिस कैंसिल आउट इक्वल ऑफ थ्री बी दी रिक्वायर्ड एंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। देखो कहीं इसका कोई यूज हुआ, बिल्कुल कोई यूज नहीं है, ये क्लास नाइन्थ का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से पढ़ा करें। और कैसे सॉल्व किया, मैंने इसमें कोई इसकी हेल्प नहीं ली। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें क्या लिखा है। ये क्वेश्चंस आपका कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आप अपने ऑप्शन देखिएगा, आपके ऑप्शंस में दो ही पॉइंट मूव कर रहे हैं, एफ एंड एफ डैश। क्या मूव कर रहा है, एफ एंड एफ डैश के विषय में कुछ कहा गया है। एफ आपके पास कहां पर आ रहा है, देखो बोर्ड की ओर, दिस इज एफ एक्स, ये एफ एक्स है। तो एफ एक्स आपके सामने रखा है, इसको मैंने क्या लिखा है, एफ एक्स। आप बोलिएगा एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एक सेकेंड बना करके देखें, एफ डैश एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, टू एक्स। मीन्स टू एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स, दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन मीन्स कॉस वन बाई एक्स इंटू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। सो दिस एंड दिस कैंसिल आउट, मीन्स एफ डैश एक्स क्या मिल जाएगा, माइनस कॉस वन अपॉन एक्स। ये वैल्यू किसकी आ रही है, एफ डैश एक्स। कंटिन्यूटी मीन कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आप सब जानते हैं किसी फंक्शंस के लिए इन दी केस आर एच एल ऑफ एफ एक्स इक्वल ऑफ क्या आ जाता है, आर एल एच एल ऑफ एफ एक्स इक्वल ऑफ आर एच एल ऑफ एफ एक्स इक्वल ऑफ लिमिट ऑफ एफ एक्स, तीनों वैल्यू सेम आने लगे तो आप बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। सेम ना आए तो बोलते हैं फंक्शन कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ये एट एक्स इक्वल किस पर हम डिफाइन कर रहे हैं, एक्स इक्वल ऑफ जीरो की बात की गई है, इसे आप डिफाइन करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, इधर इस पॉइंट पर आपने डिफाइन किया लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच एच टेंस टू जीरो एफ एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स। देखो इधर क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एच, मेरे साथ कैलकुलेशन को आप देखेंगे एच टेंस टू जीरो फंक्शन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन बाई एक्स आल्सो इक्वल ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ऑफ एफ एक्स की बात करेंगे। बात कर लेते हैं इनकी वैल्यू क्या क्या होगी, बोर्ड की ओर देखते जाए, थोड़ा सा ध्यान देना। जीरो माइनस एच यहां पर आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन माइनस एच आएगा, यहां से बाहर माइनस साइन आ जाएगा आपके पास। बट यहां पर एच टेंस टू जब जीरो पुट करेंगे तो जीरो इंटू साइन वन बाई एच की वैल्यू क्या होगी, साइन वन अपॉन जीरो साइन इनफाइनाइट होगा, साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन टू वन। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, फाइनल सोल्यूशन मिलेगा माइनस वन टू वन, एक साथ लिखा, इसकी भी वैल्यू आएगी जीरो इंटू माइनस वन टू वन
ये आपके पास ऑलरेडी जीरो दे रखा है, आपने देखा जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, टोटल जीरो जीरो एंड जीरो मींस एल एच एल आर एच एल टू दी लिमिट्स पॉइंट सारी की सारी कैसी इक्वल आ रही है, मींस फंक्शन जो अपना एफ एक्स है वो कैसा क्लियर हो गया, कंटिन्यूअस आ गया। अब बात इसकी करते हैं, इस फंक्शंस के लिए बात करते हैं, इसके लिए भी इसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया। ये फंक्शन हमारा तीनों के लिए क्या आएगा, जीरो इंटू माइनस वन टू वन मीन्स जीरो जीरो रहेगा, बट इसकी वैल्यू हम देखते हैं तो यहां से हमें क्या मिलेगा, माइनस वन टू वन। अगले में डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन टू वन क्या आ जाएगा, माइनस वन टू वन, ये तो वैल्यू यहां पर क्या रह जाएगी, माइनस वन टू वन, बट टू दी लिमिट्स पॉइंट जीरो पर क्या दे रखा है, जीरो, तो ये दोनों वैल्यू जीरो होंगी बट ये सेम नहीं आएगा, मीन्स एफ डैश एक्स कैसा आ गया, डिसकंटिन्यूअस, सेम नहीं आ रहा है। तो आपका इसका ऑप्शन कौन सा क्लियर होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल जीरो बट एफ डैश एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल जीरो, मीन्स एफ डैश एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा और एफ एक्स कैसा होगा, कंटिन्यूअस। सॉल्व हो गया बच्चों, आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चंस आपका लिमिट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, आपसे बोला गया था लिमिट की कभी कोई प्रॉब्लम आए हमेशा सॉल्व करने का पैटर्न याद रखिएगा, बिना किसी से पूछे उसमें लिमिट अप्लाई कीजिएगा। देखो मैंने अप्लाई कर दी लिमिट, ध्यान से देखना, इधर टी के प्लेस पर हमने जीरो पुट किया, वन अपॉन साइन स्क्वायर जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती, क्या लिखा गया, वन अपॉन जीरो मीन्स इनफाइनाइट आ रहा था, वन टू दी पावर इनफाइनाइट, दिस आल्सो टू टू दी पावर इनफाइनाइट, थ्री टू दी पावर इनफाइनाइट प्लस डॉट डॉट एन टू दी पावर इनफाइनाइट होल पावर साइन जीरो मीन्स जीरो आ गया, वन टू दी पावर इनफाइनाइट क्या होता है वन, बट टू दी पावर इनफाइनाइट, थ्री टू दी पावर इनफाइनाइट एन टू दी पावर इनफाइनाइट क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मीन्स फॉर्म आपके प्रॉब्लम का क्या है, इनफाइनाइट टू दी पावर जीरो, दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसे रिमूव करना होगा। और जब इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ जाए इनफाइनाइट टू दी पावर जीरो की, तो इसका लास्ट टर्म कॉमन ले लेते हैं, कौन सा टर्म कॉमन लेते हैं बोलो, लास्ट वाला टर्म, लास्ट टर्म क्या है, एन टू दी पावर वन अपॉन साइन स्क्वायर टी, इसको आप कॉमन लीजिएगा तो सारे टर्म डिवाइड हो जाएंगे ना, डिवाइड हो गए, ये बाहर आएगा इसकी पावर साइन स्क्वायर टी आएगा, यहां टी टेंस टू आपने जीरो लिखा बाहर, एन इंटू मल्टीपल में लिख डाला, ये क्या होगा बोलो, वन अपॉन एन पावर ऑफ वन अपॉन साइन स्क्वायर टी, देखो एक दो टर्म लिख करके मैं दिखा रहा हूं, ये आ जाएगा टू अपॉन एन वन अपॉन साइन स्क्वायर टी आ गया, कुछ तो चेंज किया है, प्लस डॉट डॉट लास्ट में क्या आ जाएगा बोलो, दिस अपॉन दिस करेंगे वन आएगा, वन होल टू दी पावर क्या है साइन स्क्वायर टी, फिर से आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, देखें बोर्ड की ओर, एन को देखें वन के कंपेयर में बहुत बड़ा है, टू के कंपेयर में भी बहुत बड़ा है, मीन्स अब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो उस पोजीशन में रिजल्ट का आता है लेस देन वन आता है, लेस देन वन की पावर जैसे बढ़ाते चले जाएंगे वैल्यू जीरो की ओर टेंड्स करती है, मीन्स ये सारी सारी वैल्यू इनफाइनाइट लिमिट आएगी, वन अपॉन जीरो वन अपॉन जीरो वन अपॉन जीरो मीन्स जीरो टू वन के बीच लेस देन नंबर ये रिजल्ट वन आ रहा, पावर इनफाइनाइट है, मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, एन बाहर आ रहा है, इनटू में क्या आ गया जीरो, दिस जीरो प्लस डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू ये क्या आ गई वन, देखिए इसकी पावर टोटल की क्या आ गई जीरो, मीन्स क्वेश्चंस आपके लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या बचा है, एन इंटू वन टू दी पावर जीरो, वन टू दी पावर जीरो बी दी डेफिनेट क्वांटिटी, सो दिस इक्वल ऑफ एन, आंसर क्या आ गया एन, आप टिक लगा देंगे, सेकेंड ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। बात करते इस क्वेश्चन की, देखो ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन से क्या कहा जा रहा है, आपके पास कुछ नंबर दिए गए हैं, देखो कितने कितने हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर एंड वन, फिर आपसे बोला गया है देन दी नंबर ऑफ नाइन डिजिट्स, नंबर सच दैट अर्न, नंबर सच दैट इवन डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस आर, आपसे बोला गया है नाइन नंबर दिए गए, इनमें इवन नंबर को इवन प्लेस पर ही आपको भरना है, फिल करना है, रखना है, तो क्लियर हो गया। ऑड नंबर को कहां रखेंगे, ऑड प्लेसेस पर, टोटल आपके पास नाइन डिजिट है, प्लेस कितने हो, कैसे सॉल्व करेंगे, टेक्निक देखिएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आपने लाइन ड्रा कर ली, इसको थोड़ा सा देखिएगा ऑड प्लेसेस कौन सा आ रहे, वन थ्री फाइव दिस सेवन आल्सो दिस नाइन, ये कौन से प्लेस है बोलो, ऑड प्लेसेस आ रहे हैं, तो इवन प्लेसेस कौन से होंगे ऑब्जर्व कीजिएगा, टू फोर सिक्स आल्सो दिस एट, तो इन प्लेसेस को मैंने क्या बोला, ये कौन से प्लेस हैं बोलो, इवन प्लेस के पॉइंट हैं,
अब दिमाग लगाएंगे, इन इवन प्लेसेस पर, चार प्लेसेस पर क्या क्या आप पुट कर सकते हैं, बोलो चार डिजिट है आपके पास, कौन कौन से हैं, 2 4, ओनली 2 4 ही है, तो इन चार प्लेस को फिल करने का कॉन्सेप्ट क्या होगा, बोलो फैक्टोरियल 4 आ गया। बट अब दिमाग लगाएगा, 2 2 टाइम आ रहा, 4 2 टाइम आ रहा, हिंदी के यहां 2 लिखा है, यहां 2 लिखा, इधर वाला 2 इधर रिप्लेस कर दे, इधर का इधर रिप्लेस कर दे, बोलो क्या कोई नया नंबर बनेगा, नहीं बनेगा। यहां पर 4 आ रहा है, इस प्लेस पर 4 आ रहा है, इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दीजिएगा, कोई नंबर बनेगा नया, नहीं बनेगा। मींस इसमें कुछ एक्सेस इन्वॉल्व हो गए हैं, तो फैक्टोरियल 2 * फैक्टोरियल 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। यही वर्क इधर करेंगे, टोटल और डिजिट गिनिएगा कितना है, 1 3 1 3 1, मींस 5 डिजिट आ रहे हैं, प्लेस कितने 5 आ रहे हैं, तो इन्हें 5 नंबर से फिल करने के पैटर्न क्या होंगे, फैक्टोरियल 5। बट इनमें देखिएगा 1 कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होगा, क्यों डिवाइड होगा, उसका रीजन है, अगर हमारे पास यहां पर 1 1 एंड 1 आ जाए, इनको पोजीशन इंटरचेंज कर दीजिएगा, कोई नया नंबर बनने का चांस बनता है, नहीं बनेगा। मींस इसमें फैक्टोरियल 5 में एक्स्ट्रा सबमिट हो रहे हैं, तो आपने डिवाइड मार दिया। अदर देखा 3 कितने टाइम आ रहा, बोलो 2 टाइम, इसकी भी पोजीशन इंटरचेंज करने पर कोई नया नंबर फॉर्मेट होने का चांस नहीं है, तो डिवाइड हो जाएगा फैक्टोरियल 2। अब इसका फाइनल सोल्यूशन डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे, टोटल फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू आप फैक्टोरियल 2 इंटू, जिसमें क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन आप फैक्टोरियल 3 इंटू आप फैक्टोरियल 2। आप इसे सॉल्व कर लेंगे और आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। देखो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे, जो आपके 2023 में जेईई मेन एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर निगाह डालते हैं, क्या लिखा है, 2 लाइंस दिस एंड दिस, देन फाइंड आउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिफाइन करना है। देखो आप देख करके समझ सकते हैं, 3D का क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्लास 12th में आपको फार्मूला बताया गया होगा, आपको आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या पढ़ा है आप लोगों ने, बोलो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल मॉड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस ऑफ B2 वेक्टर डॉट ऑफ A2 वेक्टर माइनस ऑफ A1 वेक्टर अपॉन ऑफ दिस मॉड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस ऑफ B2 वेक्टर, क्लियर। अब बात करते हैं यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, A1 A2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पासिंग पॉइंट, कहां से मिलते हैं, लाइन के ऊपर से, XYZ को चेक कर लेते हैं, +1 कोफिशिएंट होना चाहिए सभी का, स्टैंडर्ड ऑर्डर में है, तो इन दोनों से देखो देखता हूं, इस लाइन से A1 वेक्टर इक्वल क्या बन जाएगा, 210 मींस 2i कैप प्लस j कैप प्लस आप 0k कैप। आपको मालूम है किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट XYZ हो तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या लिख देते हैं, xi कैप प्लस yj कैप प्लस z k कैप। तो इससे B1 वेक्टर डिनोमिनेटर के DRS से चूज कर लेते हैं, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस आप 2k कैप। इस लाइन के अकॉर्डिंग हम A2 वेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे, A2 वेक्टर 1 2 1 i कैप प्लस 2j कैप प्लस आप k कैप, एंड करिस्पोंडिंग DRS से B2 वेक्टर आ जाएगा, B2 वेक्टर इक्वल क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस आप 3k कैप। आप यहां से क्या करेंगे, B1 क्रॉस B2 डिफाइन करेंगे, कहीं A2 माइनस A1 डिफाइन करेंगे, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर की वैल्यू यहां पुट करके A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे, नीचे मॉड ऑफ लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, और देखेंगे आंसर आपका ऑप्शन कौन सा सेकंड क्लियर हो जाएगा, इस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 के बाद 14 पर आते हैं, 14 क्या लिखा, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट ऑफ दिस प्लेन, इस प्लेन की मिनिमम डिस्टेंस आपको डिफाइन करनी है, कहां से डिफाइन करनी है, इस पॉइंट से। तो हमें क्या करना होगा, एक फार्मूला आपके क्लास 12th में बताया गया है, वो फार्मूला क्या है मिनिमम डिस्टेंस डिफाइन करने के लिए, देखो इसके लिए आपको पास एक लॉजिक दिमाग में रहे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल 0 फ्रॉम पॉइंट अल्फा बीटा गामा, याद आ रहा होगा आपको, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी अपॉन ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर आता है, इस लॉजिक का यूज करेंगे, और साथ में एक पॉइंट और रेडी रखेंगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिस थ्रू द 3 पॉइंट्स का भी कॉन्सेप्ट आपको रेडी होना चाहिए, वो मैं यहां लिख रहा हूं, क्या होता है बोलो, x-x1 y-y1 z-z1 अपॉन ऑफ दिस x2 - x1 y2 - y1
जेड टू माइनस जेड वन अदर एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस ऑफ वाई वन ऑल्सो दिस जेड थ्री माइनस जेड वन इक्वल ऑफ जीरो। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखो बोर्ड की ओर, आपने क्वेश्चन को देखा कि आपसे कहा जा रहा है फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस डिफाइन करनी है किससे, फ्रॉम द प्लेन, प्लेन के से डिसाइड करनी है। लेकिन उस प्लेन का इक्वेशन डायरेक्ट ना दे करके क्या दिया है, प्लेन पासिस थ्रू दी थ्री पॉइंट, प्लेन के वो पॉइंट दिए हैं जिन तीन पॉइंट से प्लेन पास होकर के जाता है। इसका अगर हम फिगर का हेल्प ले, नाउ वी कंसीडर दिस इज प्लेन, दिस इज पॉइंट पी, इसका कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास सेवन माइनस फोर एंड दिस माइनस थ्री, क्लियर। इसका नाम हमने पी दिया, इसका नाम क्या दे दिया क्यू। अगर इस ए बी सी डी प्लेन का इक्वेशन हमें मालूम हो जाए तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं ना। इसके लिए क्या दिए, तीन पॉइंट आपके पास दे गए हैं, देखो एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू, एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री। इसके लिए आप यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट का तो आपका प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। प्लेन का इक्वेशन ए बी सी डी प्लेन का इक्वेशन देखो, इन्हें जब आप सॉल्व करेंगे तो प्लेन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, फाइव एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड, फाइव एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड माइनस सेवनटीन इक्वल ऑफ जीरो। ये आपके पास प्लेन आ गया, किस प्लेन का इक्वेशन है, ए बी सी डी का आ गया। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे, देखो पी इक्वल अल्फा बीटा गामा, आपके पास कहां दिखाई पड़ रहा है अल्फा बीटा गामा, इस कॉन्सेप्ट का यूज किया आप यहां पर डिफाइन करेंगे। पी इक्वल थोड़ा क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बोर्ड की ओर, क्या आ जाएगा सेवन इंटू फाइव थर्टी फाइव मिल गया, दिस माइनस फोर इंटू टू माइनस एट आ गया आपके पास, माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री मीन्स प्लस ऑफ नाइन आ गया, माइनस में क्या लिखा है सेवनटीन अपॉन ऑफ दिस ट्वेंटी फाइव प्लस फोर प्लस ऑफ नाइन। सॉल्व करेंगे इसको तो आपके पास इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा रूट ऑफ नाइनटीन बाई टू, इसे सॉल्व कीजिएगा रूट ऑफ नाइनटीन बाई टू। देखो बच्चों आपने इसके बीच की डिस्टेंस डिफाइन कर ली। तो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया गया, क्लास ट्वेल्थ का है, थ्री डी का ही कॉन्सेप्ट है। कौन सा यूज हुआ, डिस्टेंस ऑफ दी दिस प्लेन फ्रॉम दिस पॉइंट पी इक्वल ऑफ दिस यूज किया गया। बात करते हैं अदर क्वेश्चन की, क्या लिखा है, फाइंड आउट एरिया बाउंडेड बाई दी दिस कर्व, इस कर्व के द्वारा कवर्ड होने वाले एरिया को डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का ग्राफ बनाने का ट्राई करेंगे, ग्राफ बनाने के साथ इनका नेचर देखेंगे। इसका नेचर देखो, ये क्या नेचर है बोलो, पैराबोला आ रहा है, एक बात आइडिया मिल गया आपको। ये आपके पास क्या आ रही है, एक लाइन आ रही है। जब हम एक बाउंडेड एरिया डिफाइन करना हो तो फिगर मस्ट हो जाता है। फिगर कैसे बनाएंगे, देखो बोर्ड की ओर, इन क्वेश्चन के लिए आपने क्या किया, दो एक्सिस ड्रा कर दिए एक्स एंड वाई, दिस इज एक्स ओ एंड एक्स डैश, आल्सो दिस वाई ओ वाई डैश। ये क्लियर हो गया, पैराबोला है, वाई में सेकंड डिग्री टर्म आ रहा है, तो क्लियर इसका जो फिगर होगा या तो इस तरह होगा या इस तरह होगा, कहीं से भी जा रहा होगा बट इस फेस में खुल रहा होगा, डिसाइड कर लिया। इसमें हमने एक बार इंटरसेक्ट पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं, बात बन जाएगी फिगर बनाने की। वेन पुट वाई इक्वल जीरो, देन एक्स इक्वल क्या आ जाएगा वन, मीन्स एक्सिस ऑफ एक्स को वन डिस्टेंस पर ये इंटरसेक्ट करता है। व्हेन पुट एक्स इक्वल जीरो देन वाई स्क्वायर इक्वल फोर, मीन्स वाई इक्वल प्लस माइनस टू आ गया, वाई एक्सिस को दो पॉइंट पर कट करता है, वो पॉइंट कौन कौन से आपके पास है प्लस माइनस टू, तो इसका कोऑर्डिनेट आपका आ गया जीरो कामा टू, और इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा जीरो कामा माइनस टू, मीन्स आपने इसका कर्व ड्रा कर लिया है। अब इस लाइन को ड्रा करना रह गया, एक बार इसमें x इक्वल जीरो पुट कीजिएगा, y का इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा y इक्वल टू, मीन्स y को इसी पॉइंट पर कट करता है। व्हेन पुट y इक्वल जीरो देन x इक्वल क्या आ गया माइनस वन, मीन्स दिस टू तो दिस माइनस वन, इन पॉइंट को मिलाते हुए एक आप लाइन बना देंगे और आपका जो ये एरिया आ रहा है, इस एरिया को आपसे पूछा जा रहा है। बट डिफाइन कैसे करेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिफाइन करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। जैसे इनको सॉल्व करेंगे, एक्स इक्वल देखेंगे क्या मिलेगा माइनस थ्री आएगा, वाई इक्वल क्या मिलेगा माइनस फोर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब एरिया डिफाइन करने के लिए अबाउट द एक्सिस ऑफ एक्स और अबाउट द एक्सिस ऑफ वाई कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बोर्ड की ओर देखें, मैं इसका एरिया डिफाइन कर रहा हूं अबाउट द एक्सिस ऑफ एक्स, सो इक्वल ऑफ लिमिट देखें वाई एक्सिस की कहां से कहां तक जा रही है, थोड़ा सा ध्यान दें, माइनस फोर टू टू आ रही है ना, माइनस फोर टू टू आ जाएगी। अब इसके बीच कर्व में क्या है, वाई वन माइनस वाई टू इंटू ऑफ डी एक्स, मीन्स दो कर्व आपके पास दिए गए हैं, एक हमने इसके लिए पैराबोला का कर्व वाई वन आ जाएगा और इसे वाई टू के करेस्पोंडिंग हम एज्यूम करेंगे। जैसे हमने एज्यूम किया वाई वन माइनस वाई टू फॉर्म लिखेंगे,
तो लिमिट माइनस 4 to 2 आ गया। पैराबोला इसे वाई पी लिख दिया, इधर क्या लिख दिया वाई एल। लाइन से आप दोनों की वैल्यू रखेंगे, वाई पी से क्या आ जाएगा बताएंगे, एक्स की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगा वाई पी माइनस वाई ऑफ एल आ गया। तो वैल्यू किसकी रखते हैं, एक्स को डिफाइन करेंगे अबाउट एक्सिस ऑफ वाई, वाई के फॉर्म में मिलेगा क्या, देखो इधर गया 4 - y² / 4 4 - y² आप क्या आ जाएगा बोलो, 4 आ जाएगा माइनस दिस, इससे आप x की वैल्यू डिफाइन कीजिएगा क्या मिला y - 2/2 y - 2/2 और होल आप इंटीग्रेट करेंगे। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये टोटल एरिया मिल जाएगा। अब इसके लिए आपको इंटीग्रेशन का आइडिया है, आप इंटीग्रेट कर लेते हैं तो आप इसका ये कवर्ड एरिया डिफाइन करने में सक्सेस हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, देखो 16 क्या लिखा है, थोड़ा बोर्ड की ओर देखें, वेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस है, क्या कहा गया है, बहुत अच्छा सवाल है, देखें थोड़ा, यू इक्वल दिस वी इक्वल दिस दिया गया है ना, इस पर निगाह डालें, लास्ट में वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, यू इंटू डब्ल्यू, किसकी वैल्यू पूछ रहे, वी इंटू डब्ल्यू लिखा है या यू इंटू डब्ल्यू, यू इंटू डब्ल्यू आ रहा है, इसकी वैल्यू आपको चाहिए। हमारे पास दिया क्या गया है, देखो इधर v क्रॉस w, इस पर निगाह डालते हैं, v क्रॉस w इक्वल ऑफ म्यू u वेक्टर इक्वल ऑफ वेक्टर u प्लस ऑफ लैम्डा v वेक्टर। एक टेंशन आ रहा है, ये लैम्डा इन्वॉल्व हो रहा है, हमें लैम्डा की कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ पूछा नहीं जा रहा, क्या करेंगे हम इसका, हमें चाहिए u इंटू डब्ल्यू, u इंटू डब्ल्यू मिल कैसे सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पर, u इंटू डब्ल्यू यू वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू वी वेक्टर, थोड़ा सा ध्यान दें, इसकी वैल्यू हमें डिफाइन करनी है, तो कैसे डिफाइन करेंगे और गिविन क्या है, थोड़ा उस पर निगाह डालें, दिस एंड दिस एंड वी डॉट डब्ल्यू क्या दे रखा है बोलो, वी डॉट डब्ल्यू इक्वल ऑफ टू दिया है, कुछ इसमें मिसप्रिंट लिख दिया क्या, u इंटू डब्ल्यू आपके पास आ रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसे हम यहां से रिमूव करना चाहते हैं, अगर इसके दोनों साइड हम क्रॉस प्रोडक्ट v का कर देते हैं तो बात हमारी कुछ बन जाएगी, ये आ जाएगा v क्रॉस u, क्या बन जाएगा v क्रॉस u, v क्रॉस u को हम डिफाइन कर सकते हैं दोनों के साथ में सॉल्व कर करके, सॉल्व हो जाएगा। चलो इससे आपने पास कुछ मिल जाएगा, v इंटू डब्ल्यू फिर हमारे पास चाहिए क्या, u इंटू डब्ल्यू, तो v क्रॉस u की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको हम सॉल्व किधर से करेंगे, चलो देखते हैं, v क्रॉस u तो उधर से वैल्यू मिल जाएगी, कर लेते हैं। देखो हमने देखा इसमें हमें u इंटू डॉट w की वैल्यू डिफाइन करनी है, किसकी वैल्यू डिफाइन करनी बोलो, u डॉट w की, कैसे सॉल्व होगा कुछ बात करते हैं। यहां हमारे पास इस टर्म को हमने देखा थोड़ा एक्सिस में आ रहा है, इस टर्म को रिमूव करना चाहिए, काम अपनी तरफ से करते हैं, कुछ वेक्टर के लॉजिक रेडी होते हैं, दोनों साइड इसमें हम मल्टीपल करते हैं, किसका v क्रॉस, क्या कर देते हैं बोलो, v क्रॉस कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा बोलो, v क्रॉस u आ जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा प्लस में लैम्डा इंटू v वेक्टर क्रॉस ऑफ v वेक्टर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इक्वल क्या होता है, जीरो, सेम टाइम सेम टाइप के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितने के इक्वल आता है, जीरो के इक्वल होता है, ये टर्म आपके जीरो हो गया, लैम्डा गायब हो गया हमारा, इसके लिए ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट रेडी रखना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा यहां मैं लिख रहा हूं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर लिखा हो तो पैटर्न होता 1 2 3 लिख लीजिएगा, वह 132 - 123 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, 123 इसका यूज किया पहले दो के बीच डॉट, तो ए डॉट सी, तो यहां से क्या मिला बोलो, वी डॉट डब्ल्यू इंटू में क्या आ गया बताएंगे, v आ जाएगा 1 this 2 and this 3 माइनस v डॉट v इंटू डब्ल्यू इक्वल में क्या आ गया बोलो, v क्रॉस u, क्लियर। अब देखते हैं यहां पर v डॉट w क्या होगा, आपके पास दिया है v डॉट w कितना है, देखो इस पॉइंट को v डॉट w इक्वल कितना दे रखा है बोलो, 2 के इक्वल आ रहा है, इस पॉइंट पर आपने 2 लिखा तो ये क्या हो गया 2v वेक्टर। इधर भी देखेंगे यहां पर माइनस v डॉट v करेंगे, v कहां पर आ रहा है इधर, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा, मॉड का स्क्वायर होता है, मींस क्या आ जाएगा 1 1 1 3 हो जाएगा, तो यहां पर क्या वैल्यू आ गई, 3 इंटू डब्ल्यू वेक्टर इक्वल ऑफ v क्रॉस u वेक्टर,
वी क्रॉस यू वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, इन दोनों वेक्टर का आप क्या डिफाइन करेंगे बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे। जैसे इन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा, थोड़ा उस पॉइंट को आप रीड कीजिएगा। इन दोनों का आपने क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन किया तो आपके पास ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, माइनस टेन आई कैप, यहां पर वैल्यू रख लें, यह काम आप कीजिएगा, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। वी क्रॉस यू डिफाइन करें, इधर पुट कर देंगे, ये क्या है 2v वेक्टर माइनस 3w, v वेक्टर आपके पास कहां पर आ रहा है बोलो, इधर आ रहा है, तो इससे w वेक्टर की वैल्यू आप बता देंगे क्या मिल जाएगा बोलो, v क्रॉस u वेक्टर, ध्यान से देखना क्या आ जाएगा, w वेक्टर इक्वल, इसको राइट साइड ले गए, मींस 2v वेक्टर माइनस v वेक्टर क्रॉस ऑफ u वेक्टर अपॉन में क्या आ गया 3, इससे वैल्यू बच्चों किसकी आ जाएगी, W वेक्टर मिल जाएगा। बट अब हमको चाहिए क्या, इसे आप सॉल्व करेंगे तो W वेक्टर आपके पास कितना आएगा, उसकी वैल्यू मैं बता रहा हूं 411, मींस ये वैल्यू आ जाएगी 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। तुरंत आप यहां से डिफाइन कर देंगे U डॉट W, डॉट प्रोडक्ट करना आप सभी को आता है, U वेक्टर इधर लिखा है, डॉट W आए, तुरंत आपको आंसर इस क्वेश्चन का मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चंस का पैटर्न, सॉल्व करने का पैटर्न पसंद आया होगा, आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा। चलो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, दो क्वेश्चंस आपके जेईई मेन 2023 में पुट किए गए थे, किस पर बेस्ड है आप सब जानते हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पर है। देखो इनका पैटर्न कितने सिंपल क्वेश्चन है, आप इन्हें विदाउट किसी एनी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ओनली इनवर्स का ही कॉन्सेप्ट है, वो भी वेरी सिंपल। देखो थोड़ा पेन ही चला रहा हूं, ध्यान देना, नाउ टेक इन कॉमन रूट थ्री फ्रॉम दिस, सो दिस कैन आउट कन्वर्ट वन बाई रूट थ्री, क्या हो जाएगा वन प्लस रूट थ्री, ऑल्सो दिस वन प्लस रूट थ्री, बिकॉज थ्री कैन बी राइट रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ऑल्सो दिस सिक इनवर्स, नॉट टेक इन कॉमन फ्रॉम इट्स डिनोमिनेटर फोर, सो दिस टू प्लस रूट थ्री, ऑल्सो फ्रॉम इट्स डिनोमिनेटर थ्री, सो ऑल्सो टू प्लस रूट थ्री आ गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहां पर आपके पास क्या रह गया बोलो, टेन इनवर्स वन बाई थ्री, टेन इनवर्स वन बाई थ्री की वैल्यू क्या होती है आप सभी जानते हैं, पाई बाई सिक्स। यहां पर क्या लिखे, सिक इनवर्स में आ गया, रूट के अंदर आ रहा है, सिक इनवर्स में क्या आएगा टू अपान रूट थ्री, सिक में टू अपान रूट थ्री वैल्यू कितने डिग्री होती, पाई बाई सिक्स, सॉल्व कर दिया टू बाई पाई सिक्स, कैंसिल आउट हो गया, पाई बाई थ्री भी दी रिक्वायर्ड आंसर, सॉल्व कर सकते हैं। बात इस क्वेश्चन की करते हैं, सम ऑफ ऑल रूट्स में जो भी एक्स की वैल्यू है उन सबका सम डिफाइन करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कॉस इनवर्स कैन बी चेंज पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, आप सबको याद है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई टू होता है, सो दिस माइनस टू साइन ऑफ इनवर्स एक्स, दिस कॉस इनवर्स टू एक्स ऑल्सो कैन बी राइट पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स, क्लियर, सो दिस पाई बाई टू कैंसिल आउट, दिस टू वन मीन्स क्या आ गया माइनस थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल ऑफ माइनस साइन इनवर्स टू एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल आउट किया, यहाँ थ्री साइन इनवर्स वाला फार्मूला यूज किया, साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब इक्वल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स, क्लियर, एक्स की वैल्यू आपको चाहिए, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, इसे सिंपल किया थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब इक्वल ऑफ दिस टू एक्स, इसे सिंपल बनाएंगे आपको क्या मिल जाएगा 4x क्यूब माइनस ऑफ x इक्वल ऑफ जीरो, नॉट टेक इन कॉमन x, सो 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल ऑफ जीरो, इसको आप सॉल्व करेंगे फैक्टर तो x इक्वल एक आपके पास जीरो आया, अगला क्या मिला 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल ऑफ जीरो, सॉल्व करेंगे x इक्वल ऑफ 1 बाई रूट टू प्लस माइनस में आ जाएगा, अब आप इसे सॉल्व करें 1 बाई टू नॉट रूट टू, 1 बाई टू आया, x की तीन वैल्यू आ गई जीरो, एक्स टू वन बाई टू, ऑल्सो एक्स थ्री इक्वल माइनस वन बाई टू, इन तीनों वैल्यू को इसमें सॉल्व पुट करके हम देख लेते हैं क्या हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है, सेटिस्फाइड हो रहा है, सम पूछा गया तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, आपको समझ में आ गया सम ऑफ ऑल रूट्स क्या आ गया, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल ऑफ जीरो। तो देखो बच्चों मैंने आपके साथ जेईई मेन 2023 के पेपर का सोल्यूशन शेयर किया है, इसके साथ बिगिनिंग में मैंने यह भी बताया था कि क्वेश्चंस को आप किस तरह प्रिपरेशन करेंगे और कैसे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं विद फुली कॉन्फिडेंस के साथ, हमें अदर कॉन्सेप्ट को जितने भी आपके ट्वेल्थ बोर्ड
एग्जाम में चैप्टर्स हैं, 11th एंड 12th के चैप्टर हैं, उनकी आपके लिए बहुत डीप स्टडी होनी चाहिए। एक अच्छा सा नॉलेज आप लेकर के एग्जाम हॉल में जाएंगे और थोड़ी सी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो। तो कोई क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं जिन्हें आप सॉल्व ना कर सकें, आप सॉल्व कर सकते हैं, आप डेट श्योर सिलेक्शन पा सकते हैं। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में।